अपने विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। सबसे पहले हमने वित्त विहीन जो शिक्षक हैं उनके लिए एक आदेश को जारी किया है कि वित्त विहीन अध्यापकों को उनका वेतन का भुगतान अवश्य होना चाहिए। और दूसरा उन अभिभावकों के लिए किया है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, 3-3 माह का शुल्क एक साथ जमा कराने का क्रम कई विद्यालयों में चलता था, तो उससे कहा गया है कि 1 माह से अधिक का शुल्क जमा ना कराएं। अगर 1 माह का शुल्क देने में भी किसी को कोई परेशानी है तो उसे अगले महीनों में समायोजित किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी एक उपाय किया है कि जो बढ़ी हुई हर साल जो फीस बढ़ा देते हैं विद्यालय लोग, तो वर्ष 2020 और 21 में कोई भी विद्यालय अपने शुल्क को नहीं बढ़ाएगा। शुल्क को बढ़ाने का जो क्रम है वो स्थगित रखा जाएगा और वर्ष 1919 और 20 में जो शुल्क नियत था, चाहे वो प्रवेश का शुल्क हो चाहे किसी प्रकार का फीस का भुगतान का हो, वो वही रहेगा जो 1920 में था। इसके साथ ही हमने ये भी निश्चय किया है कि सभी विद्यालयों में ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम कोर्स को पूरा करने का क्रम जारी रखे हैं। हम जल्दी ही जो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं संपादित हुई हैं उनका कापियों का मूल्यांकन हम 5 मई से प्रारंभ करने वाले हैं। और इसी तरीके से जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उनको 3 मई के बाद 15 दिन का अवधि दे के हम परीक्षाओं को प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो सत्र है वो नियमित होगा और सत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।